जय हिंद दोस्तों। आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में अब की बार लौड़ा का सरकार है और इस सरकार का ये दावा है किसानों के लिए जितना एनडीए शासन में पिछले 6 वर्षों में किया गया है उतना पहले कभी नहीं किया गया। 2014 से 2020 तक के इनके 6 साल के शासनकाल में किसानों के लिए जितना किया गया है उतना पहले कभी नहीं किया गया, ये दावा मोदी जी कर रहे हैं। जबकि सच्चाई ये है कि मोदी सरकार ने किसानों को जितना ठगने और चूतिया बनाने का काम किया है उतना आज तक किसी दूसरे सरकार ने नहीं किया है। इन्होंने किसानों को ठगने और चूतिया बनाने के लिए अलग अलग योजनाओं की शुरुआत की। हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यानी पीएम क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। इस योजना में ये कहा गया कि अगर कोई भी किसान अपने फसल के बोने के 10 दिन के अंदर अगर अपने फसल का बीमा करवा लेता है तो फसल बोने से लेकर कटने तक अगर किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा की वजह से उसका फसल बर्बाद हो जाता है, जैसे कि बाढ़ या फिर सूखा की वजह से, तो ऐसी स्थिति में सरकार उसको इस योजना के जरिए फसल का पूरा दाम दे देगी। लेकिन इस योजना का किसानों को कितना फायदा हुआ ये आप किसानों से ही सुन लीजिए। इसमें तो मैं खुद ही सिस्टम के खिलाफ हूँ। मैं खुद ही मोदी जी से कहना चाहता हूँ, सर हकीकत कह रहा हूँ, बीमा हमारी जेब का जाता है और जब मिलने की नौबत आती तो 100 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए मिल रहा है। ये हमारे साथ मजाक हो रहा है। अभी हमने सूचियों में देखा, परेशान है हम सीहोर जिले में तमाम किसान। 5 साल हो गए सोयाबीन की फसल पिटते पिटते, मैं दिल की बात कह दूं, मैं सच्चाई बात बता दूं, लेकिन बीमा कहीं नहीं मिला और जबरदस्ती बीमा। यदि हमारा बीमा दे नहीं सकते तो काटो भी क्यों। किसानों से फसल बीमा यानी क्रॉप इंश्योरेंस के नाम पे इंश्योरेंस का प्रीमियम तो ले लिया जा रहा है, लेकिन फसल बर्बाद होने के बाद उसको उसके इंश्योरेंस का क्लेम नहीं मिल रहा है। जबकि मोदी जी ने इस योजना को शुरू करते वक्त ये दावा किया था, किसान बीमा लेगा तो जितने का बीमा लेगा अगर नुकसान हुआ तो पूरे का पूरा दाम उसको मिल जाएगा। मोदी जी बोल रहे हैं जो किसान फसल का बीमा कराएगा फसल बर्बाद होने के बाद उसको पूरे का पूरा दाम मिल जाएगा, और किसान बोल रहे हैं कि हमने फसल का बीमा करवाया लेकिन बीमा का पैसा नहीं मिल रहा है। तो अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस बीमा योजना के जरिए किसको फायदा पहुंच रहा है तो आप इस रिपोर्ट को देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। हम आपको बताना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री बीमा योजना में अब तक जनता का या किसानों करीब 66,000 करोड़ रुपए लग चुका है। यही नहीं, रिलायंस बीमा को 173 करोड़ प्रति जिला मिला। और क्या आप जानते हैं कि फसल बर्बाद होने पर वापस किए गए सिर्फ 30 करोड़ रुपए, जिसका अर्थ यह हुआ कि अनिल अंबानी की कंपनी को सीधे 143 करोड़ रुपए का फायदा, वो भी प्रति जिला। अब तो आप लोग समझ गए होंगे कि किसानों के नाम पर चलाए जा रहे इस योजना का असल फायदा किसे मिल रहा है। लेकिन अब आप ये भी देख लीजिए कि इस योजना के जरिए हमारे देश के भोले भाले किसानों को किस तरीके से चूतिया बनाया जा रहा है। किसान ने फसल बोई है सोयाबीन की और बैंक वालों ने बीमा कर दिया उड़द का। यह भी हुआ है कि ताकि किसान इन्हीं सब में उलझा रहे और बीमा कंपनी को पैसे ना देने पड़े। भागीरथ जी ने यह भी बताया कि पिछले साल जो उनके जिले में बीमा कंपनी थी वो इस साल नहीं है, अब किसी और कंपनी को टेंडर बन गया। ये रोस्टर में घूम घूम के किसानों को गोला बना रहे हैं। कोटा जिले के हाड़ौती के 12 जिले के अटरू तहसील का एक गांव है नरसिंहपुर। इस गांव के कई किसानों की उड़द और सोयाबीन की फसलें नष्ट हो गईं। 6 महीने से किसान बीमा राशि लेने के लिए चक्कर लगाते रहे, कभी बीमा कंपनी गए, कभी बैंक, तो कभी कृषि विभाग। भागीरथ शर्मा ने कहा कि कृषि विभाग ने बीमा कंपनी को 3-3 बार चिट्ठियां भेजी कि इन किसानों की 100% फसल नष्ट हो गई है। सारी खबरें अखबार में भी छप रही थी लेकिन इसके बाद भी बीमा का एक नया पैसा नहीं मिला। मोदी सरकार किसानों के फायदे के नाम पर योजना बनाती है लेकिन असल में वो योजना किसानों को लूटने के लिए होता है। अभी कुछ दिन पहले मोदी सरकार ने किसानों को लेकर 3 कानून बनाए हैं जिसके बारे में मोदी जी का ये कहना है। साथियों, देश के किसानों के कल्याण की दिशा में, कृषि सुधारों की दिशा में ऐतिहासिक कृषि सुधार विधेयक पारित किए गए हैं। मोदी जी बोल रहे हैं कि हमने किसानों के फायदे के लिए 3 ऐसा कानून बनाया है जिससे किसानों का कल्याण हो जाएगा, और पूरे देश के किसान इस कल्याणकारी कानून के खिलाफ सड़कों पे उतर आए हैं। कृषि बिल को लेकर न सियासत थम रही है और न ही किसानों का विरोध।
तो किसानों ने आज चक्का जाम किया हुआ है कृषि बिल के खिलाफ, ये आंदोलन कर रहे हैं। और भारतीय किसान यूनियन के साथ कई किसान संगठनों ने आज भारत बंद बुलाया हुआ है। इसके अलावा कई ट्रेड यूनियंस ने भी जो है इसका समर्थन किया है। आपको बता दें कि कृषि बिल के खिलाफ 100 से ज्यादा किसान संगठन इस वक्त विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने जिलों में, गांव में, हाईवे पर जगह जगह चक्का जाम किया हुआ है। किसान बिल का सबसे ज्यादा विरोध पंजाब हरियाणा में देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में किसान सड़कों पर उतरे हैं। अमृतसर में तो पिछले 2 हफ्ते से किसान जेल भरो प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये किसान विरोध प्रदर्शन जो है सिर्फ पंजाब हरियाणा तक ही नहीं हो रहे हैं, कई दूसरे राज्यों के किसान भी नाराज हैं। उनका कहना है कि उन्हें इससे काफी नुकसान होगा, सरकार को इसे वापस ले लेना चाहिए। पूरे देश का किसान बोल रहा है कि इस कृषि बिल से उनका नुकसान होगा, लेकिन मोदी जी बोल रहे हैं ये विधेयक किसानों के लिए रक्षा कवच बन करके आए हैं। अब हम आपको बताते हैं कि ये 3 कानून जिसका पूरे देश का किसान विरोध कर रहे हैं, वो किसानों के लिए रक्षा कवच है या फिर किसानों के आस्तीन का सांप है।